Everyone, a very good evening to everyone. So this is a course for UPSC examination, guys. And in this course, the theme is Let's Crack UPSC. And under this theme, we are dealing with one of the most important series for your prelims 2022. That is 1.5 years current affairs series. ठीक है, 1.5 years current affairs series के अंदर आपका स्वागत है. जिसके अंदर हम January 2021 से लेकर आपको May 2022 तक के current affairs अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, right? So, ये डेली क्लास होती है और ये जो क्लासेस हैं इसके ऊपर क्विज भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ. इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट एन अकेडमी चैनल, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. एंड बिफोर स्टार्ट आल्सो आई वांट टू लेट यू नो कि 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स हमारे पास हैं जो अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर में अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं, राइट. इसी के साथ अभी अन अकेडमी पे एक बहुत बड़ा ऑफर है, फ्लैट 20% ऑफ. ठीक है, 20% ऑफ है. आप एजुकेटर का जो कोड होता है लाइव डीबी कोड जो है, जैसे मेरा कोड लाइव डीबी कोड है, इसको आप यूज करें और आपको फ्लैट 20% ऑफ इसके अंदर मिलेगा. ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा 4500 रुपीस का ऑफ और मिल रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ 16th फेब तक का के लिए वैलिड है. तो दिस इज राइट टाइम, अपॉर्चून टाइम टू टेक द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. तो आप देखिए, अब यहाँ पर प्लस कॉम्बो का फीस जो है दैट इज 45,757, एक बहुत कम प्राइस में आपको ये मिल रहा है प्लस कॉम्बो का वन ईयर के अंदर सब्सक्रिप्शन. और दिस इज अ बिग न्यूज बिकॉज यही सब्सक्रिप्शन बच्चों ने 50,000 प्लस के अंदर ये सब्सक्रिप्शन लिया है, राइट. तो अभी आपको 45,777 रुपीज के अंदर ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, एक बहुत बड़ी न्यूज है. लाइव डीबी कोड के साथ आप यहाँ पर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी अन अकेडमी ने एक अन अकेडमी लाइट जो है ये एक प्रोडक्ट निकाला है. इसके अंदर क्या है, जीएस और सीसेट की मॉक टेस्ट सीरीज है. ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स भी आपको और इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा. तो लाइव डीबी कोड को यूज करके आप ये क्विज जो ये जो टेस्ट सीरीज है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. अभी इस पर भी 50% ऑफ है. तो राइट नाउ दो बड़े बड़े डिस्काउंट अन अकेडमी प्रोवाइड कर रही है. एक तो आप प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 45,000 के अंदर ले सकते हैं, सिर्फ 45,000 के अंदर 12 मंथ के अंदर, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एज वेल एज सी सेट एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा. कंप्लीट यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी. कॉम्बो ऑफर है क्योंकि प्लस कॉम्बो ऑफर है, तो कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलेगी. प्लस प्रीलिम्स मेंस सी सेट इनकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, राइट. तो ये सब चीजें आपको टेस्ट सीरीज प्लस 100 प्लस टॉप एजुकेटर का एक्सेस प्लस नोट्स, ये सब चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 45,757 के अंदर मिल रही है. अगेन आई एम रिपीटिंग कि यही सब्सक्रिप्शन दो दिन पहले बच्चे 51,000 के अंदर ले रहे थे, राइट. अब आपको 45,757 के अंदर ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, राइट. तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ 16 फेब तक के लिए है और लाइव डीबी कोड के साथ ही वैलिड है. और नेक्स्ट इज अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट. इस बार अल्ट्रा कॉम्बैट हो रहा है, आप जानते हैं हर संडे को ये कंपटीशन होता है. तो इस बार संडे को दैट इज 27 फेब को 11 बजे कंपटीशन होगा. इसको भी आप लाइव डीबी कोड से एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, चलिए आगे हम इसके अंदर देखें. There is something known as iconic subscription on an academy. Iconic subscription का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक mentors की टीम प्रोवाइड की जाएगी आपको. mentors की टीम जो आपको 24/7 आपके साथ रहेगी, वो आपको पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड करेगी. ठीक है, लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी. मेन्स क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिसेस वो आपको कराएगी. स्टडी को आपको स्टडी को प्लान करेगी कि किस तरह से आपको स्टडी करना है. और ओपन हाउस विद एजुकेटर भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, मतलब ऑडियो चैटिंग भी आप कर सकते हैं एजुकेटर्स के साथ, राइट. इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे, वन ईयर टू ईयर और थ्री ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है लाइव डीबी कोड के साथ. बट अभी जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें हैवी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इसके अंदर डिस्काउंट इसके अंदर देख सकते हैं, राइट. चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्री मेगा टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है, और हिंदू प्रैक्टिस क्विज कराते हैं सौरभ पांडे सर. ठीक है, वेनसडे को, हर वेनसडे को. और इसी तरह से यूपीएससी सी सेट की प्रैक्टिस कराते हैं मधुकर सर हर सैटरडे को 4 PM पर. दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू. ये लाइव डीबी कोड यूज करके आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं. इसी तरह से 16 फेब से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अकेडमी पे. अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2022 के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 2023 के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश के अंदर, बायलिंगुअल के अंदर, हिंदी के अंदर. ये सब तरह के बच्चों के लिए अन अकेडमी क्या है, एक अन अकेडमी यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से यहाँ पर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे हम देखें इसके अंदर. तो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो देयर. अब देखिए, आप देख सकते हैं वन ईयर टू ईयर और थ्री ईयर के लिए ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अन अकेडमी. ठीक है, लाइव डीबी कोड के साथ ये भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, फंडामेंटल सीरीज में आपको पढ़ाता हूँ. आज ये क्लास जो होगी दैट इज इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जो चल रही है दैट इज एट 6:30 PM. ठीक है, 6:30 PM पर ये क्लास होगी, राइट.
चलिए तो स्पेशल क्लासेस के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आप प्रीलिम्स 2022 दे रहे हैं, ठीक है, एंड आई होप कि सारे स्टूडेंट जो यहाँ पर बैठे हैं प्रीलिम्स 2022 दे रहे होंगे, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स इज कमिंग एक सीरीज है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको 1000 MCQs यहाँ पर कराऊंगा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और इन 1000 MCQs का कंप्लीट एनालिसिस आपको कराया जाएगा, और बिलीव मी दिस विल इंक्रीज योर चांसेस। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर, प्रीलिम्स 2022 के अंदर आपके चांसेस बहुत इंक्रीज कर देगी, बिकॉज सारे क्वेश्चन जो होंगे उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं प्रीलिम्स 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ये क्विज सीरीज को बिल्कुल अच्छे से इसको देखें, ठीक है, ये क्विज सीरीज को, राइट, और इसको सभी ज्वाइन करें। 25 फेब से 3:45 PM पर ये सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं, देखिए ये इस सीरीज को कहां पर देख सकते हैं आप, इस सीरीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, प्रीलिम्स इज कमिंग के आगे एक लिंक दे रखा है, इस लिंक को क्लिक करें और इस लिंक को एनरोल कर लें। अच्छा, कल एक क्लास है 17 फेब को, ठीक है, 3:45 PM पर एक क्लास है, राइट, दैट इज क्या, अन अकेडमी का 1.5 ईयर के करंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर एक एमसीक्यू क्विज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विज है, ये भी सबको अटेंड करना है, राइट। इसी के साथ मेरे प्लस कोर्सेज जो है इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ये मैं प्लस के ऊपर पढ़ाता हूँ। प्लस का इस तरह के कोर्सेज हैं जो कि कंप्लीट कॉम्प्रेंसिव कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज आप देखेंगे तो फिर आपका जो होगा सारा डायमेंशन इसके अंदर क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं पे भी और नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंप्लीट कॉम्प्रेंसिव हम यहाँ पे कोर्सेज आपको पढ़ाते हैं, ये सब कोर्सेज हैं मेरे जो प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी 5 फेब से नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो सब बच्चे देख ही रहे हैं जो भी प्लस के स्टूडेंट्स हैं, राइट। चलिए तो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, प्रीलिम्स 2022 के लिए है, जैन 2021 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर्स हैं। देखिए बच्चों, आप कोई भी टेस्ट सीरीज अभी सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इन करंट अफेयर्स का फायदा मिल रहा होगा उस टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। आप कोई भी बुकलेट पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स की तो आपको उस बुकलेट के अंदर ये टॉपिक्स मिल रहे होंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट, ये सब चीजें आपको यहां पर मिल रही होंगी, राइट, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हम इसके अंदर सोर्स जो होंगे वो गवर्नमेंट की वेबसाइट हम इसके अंदर ले रहे हैं, पीआईबी न्यूज़ जो है, ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये जो योजना, अर्थ को डाउन टू अर्थ जो मैगजीन्स हैं, ये सब की सारी इसके अंदर कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। जो भी मेरे को टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं आपको इसके अंदर पढ़ा देता हूँ, राइट। तो सब कुछ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सोर्सेज हैं सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्सेज अपन इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज व्हाट, दैट इज एप्रीट्यूड, एप्रीट्यूड, ठीक है। ये एप्रीट्यूड अब ऐसा आ सकता है रिसेंटली एप्रीट्यूड इज इन द न्यूज, ये क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो देखो एप्रीट्यूड एक इंजेक्टेबल वैक्सीन है, एक वैक्सीन है, इंजेक्टेबल वैक्सीन, जिसको इंजेक्शन के थ्रू आप देख सकते हैं, एक इंजेक्शन है, एक मेडिसिन है, ऐसे बोल सकते हैं, मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन है, ठीक है, जिससे कि HIV एड्स होने की संभावनाएं कम हो जाती है, HIV एड्स होने की संभावनाएं कम हो जाती है, ठीक है। जो रिस्क है कि HIV एड्स हो जाएगा उसकी संभावनाएं कम हो जाती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एप्रीट्यूड, ठीक है, इसको अपन एप्रीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अभी ये एक एप्रीट्यूड नाम की एक मेडिसिन है, रिसेंटली द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंजेक्टेबल मेडिसिन फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्वायरिंग HIV, कि अगर ये आप एप्रीट्यूड लगा लेंगे अपने, ठीक है, तो आपका HIV एड्स होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कोविड की वैक्सीन, कि कोविड की वैक्सीन लगा ली तो कोविड होने की संभावना कम हो जाएगी, वैसे ही HIV एड्स होने की संभावना कम हो जाएगी अगर आप एप्रीट्यूड नामक क्या करेंगे इंजेक्टेबल मेडिसिन ले लेंगे, मेडिकेशन हो जाएगा आपका। तो द नेम ऑफ द ड्रग इज एप्रीट्यूड, इस ड्रग का नाम एप्रीट्यूड है, ठीक है। तो इसके नाम से कहीं नहीं लग रहा है HIV एड्स का है, बट दिस इज रिलेटेड टू HIV एड्स, एक इंजेक्टेबल मेडिसिन है, मेडिकेशन है, जिसको लेने के बाद आपके HIV एड्स होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, ठीक है। इट इज एन इंजेक्टेबल ड्रग, इंजेक्टेबल ड्रग है ये, पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड, देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पेशेंट जो होंगे इसके अंदर ऐसा HIV नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है, HIV नेगेटिव होने चाहिए उन्हीं पेशेंट के लगे, ऐसे नहीं कि HIV पॉजिटिव के लगा दिया आपने, नहीं, HIV नेगेटिव पेशेंट है। आप कहेंगे सर HIV नेगेटिव है तो इससे क्या फायदा हो, इससे आगे इनके HIV एड्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझो पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड फॉर HIV एंड कन्फर्म नेगेटिव बिफोर स्टार्टिंग एप्रीट्यूड, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कन्फर्म नेगेटिव बिफोर ईच इंजेक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ड्रग रेजिस्टेंस HIV, ठीक है। तो आपको देखिए हर इंजेक्शन से पहले है ना, मेडिकेशन का एक कोर्स है जिसके अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं आपको बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे टाइम पर इंजेक्शन लगेंगे, और हर इंजेक्शन से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि साहब हम HIV नेगेटिव है, अदरवाइज ये जो HIV एड्स का जो वायरस होगा ना वो क्या कर लेगा, ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा अपने अंदर, ठीक है।
यहां तक समझ में आ रहा है? तो एप्टीट्यूड आपको तो ये रखना है कि एप्टीट्यूड अभी न्यूज के अंदर था, तो एप्टीट्यूड क्या है? तो इंजेक्टेबल मेडिकेशन है जिससे कि आपका रिस्क जो होगा एचआईवी एड्स का वो कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये अपन को याद रखना है। तो दिस न्यूज, ठीक है, ये न्यूज जो थी आप देखेंगे 20 दिसंबर 2021 की न्यूज है, राइट? और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इसको अप्रूव कर दिया है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। चलिए, सेकंड है डेयर टू ड्रीम इनोवेशन कॉन्टेस्ट। एक कॉन्टेस्ट करा रहा है कौन? डीआरडीयू, डेयर टू ड्रीम, है ना? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वो है, वो डेयर टू ड्रीम इनोवेशन ये चैलेंज करा रहा है। और इसके अंदर ये देखिए, ये जो चैलेंज है, ठीक है, इसका ये है डेयर टू ड्रीम 3.0 अभी इसके अंदर स्टार्ट हो रहा है, राइट? और यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक विजन था कि हम सेल्फ रिलायंस करें अपने ऊपर, ठीक है, आत्मनिर्भर हम बने, ठीक है। और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंटेस्ट कराया जा रहा है किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, राइट? इसका नाम है डेयर टू ड्रीम। अब इसका 3.0 ये चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, राइट? अब यहां पर क्या है, ये कॉन्टेस्ट है जिससे कि हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को प्रमोट कर सके, ठीक है, इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है, स्टार्टअप्स के बीच में, कि ये जो टेक्नोलॉजी है उनको हम प्रमोट कर सके, जो भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उनको प्रमोट कर सके। तो यहां पर देखिए, डिफेंस डीआरडीओ हैज लॉन्च्ड एन इनोवेशन चैलेंज, एक इनोवेशन चैलेंज है, डेयर टू ड्रीम इज अ पैन इंडिया इनोवेशन कॉन्टेस्ट, एक कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद तुमको अवार्ड मिलेगा, ठीक है, स्टार्टअप को अवार्ड मिलेगा। तो आप कोई इनोवेशन बताएं, ठीक है, डिफेंस के फील्ड के अंदर, एरोस्पेस के फील्ड के अंदर कोई इनोवेशन बताएं। मान लीजिए आप इनोवेटर हैं, ठीक है, आपने कहा कि भाई देखो इस तरह का अपन एक विमान बना सकते हैं, फाइटर प्लेन बना सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी और हो सकती है, ठीक है, इस तरह का अगर आपके पास कोई प्लान है, कोई आइडिया है, वो आपका उस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। उस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद एक कमेटी है एक्सपर्ट्स की, वो आपको क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी, बेस्ट आइडिया जो होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा और उसको अवार्ड किया जाएगा। कितने का अवार्ड होगा, आई विल लेट यू नो, बट बिफोर दैट आप ये समझिए डेयर टू ड्रीम किसका है, डिफेंस डीआरडीओ का ये एक प्रोग्राम है। डीआरडीओ स्पेसिफाई वेरियस थीम्स एंड इन्वाइट्स इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है, अंडर दो थीम्स बेस्ट आइडियाज आर सेलेक्टेड एंड अवार्डेड, उनको सेलेक्ट किया जाता है, अवार्ड किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि डोमेन एक्सपर्ट कमेटी जो होगा वो स्क्रीन करेगी, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट पे जाकर हमने देखा, इसकी वेबसाइट के अंदर ये सब इन्फॉर्मेशन अपन को मिली, राइट? सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है। अब विनर जो होगा उसको क्या मिलेगा, प्राइज मनी 10 लाख तक का प्राइज मनी मिल सकता है, अप टू 10 लाख रुपीज का मिल सकता है स्टार्टअप्स को, एंड आप देखेंगे 5 लाख का मिल सकता है आइडिया के, आइडिया बेचने के ऊपर, ठीक है, अप टू 5 लाख किसके वो मिल सकता है, इंडिविजुअल्स को। तो अगर आपसे पूछे दिस स्कीम इज फॉर इंडिविजुअल ओनली, तो क्या लिखोगे, यस और नो? नो सर, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू ड्रीम एक स्टार्टअप भी डेयर कर सकता है, एक इंडिविजुअल भी कर सकता है। डी फॉर डेयर, ठीक है, डी फॉर डीआरडीओ, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको किसी तरह से, राइट? ये आपको है ना। तो 10 लाख किसको मिलेगा, स्टार्टअप को मिलेगा, और 5 लाख किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा, अगर उनका आइडिया चूज किया गया कमेटी के द्वारा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सब जो चीजें होंगी ना, ये सब पैसा मिलेगा कहां से, तो आप यहां पर देखें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है एक, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है एक, ठीक है, और इस स्कीम के अंदर से पैसा मिलेगा। 10 लाख तो किसको मिलेगा, स्टार्टअप्स को मिलेगा, और 5 लाख उस आइडिया को, अगर आइडिया अच्छा लगा तो ये किसको मिलेगा, 5 लाख मिलेगा इंडिविजुअल को, ठीक है। इतना क्लियर है? तो बोथ इंडिविजुअल एंड स्टार्टअप के लिए और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के ऊपर ये। सर ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम क्या है? देखो ये फंड स्कीम जो है ना, ये भी डीआरडीओ ने ही स्टार्ट करी है, ठीक है, ये भी डीआरडीओ ने, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है इंडिया का, ठीक है, उसके अंदर ये हुआ है, राइट? और इसके अंदर क्या होगा कि स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उनको फंडिंग करने के लिए ये सब चीजें स्टार्ट करी गई। ये स्कीम जो है सितंबर 2016 के अंदर ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। डीआरडीओ आल्सो सपोर्ट एंड अवार्डेड आइडियाज टू रियलाइज देम इनटू प्रोटोटाइप्स थ्रू व्हाट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम जो होती है जिसको टीडीएफ स्कीम भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत डीआरडीओ यहां से पैसा देगा। तो टीडीएफ स्कीम इज एग्जीक्यूटेड बाय डीआरडीओ, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है टू एनकरेज इंडस्ट्रीज, स्पेशल एमएसएमईज, स्टार्टअप्स टू डेवलप वेरियस डिफेंस टेक्नोलॉजी। और ये जो स्कीम जो होती है वो ग्रांट इन एड मोड के अंदर दी जाती है, राइट? और द स्कीम्स वॉज लॉन्च इन सेप्टेम्बर 2016 के अंदर। अभी इसके अंदर टोटल 37 प्रोजेक्ट। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन, है ना? इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, डेयर टू ड्रीम अपन ने पढ़ा, डेयर टू ड्रीम इज रिलेटेड टू व्हाट, आपको ये पूछा जा सकता है, किसने स्टार्ट करा डेयर टू ड्रीम ये आपसे पूछा जा सकता है, किस लिए है ये आपसे पूछा जा सकता है, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम क्या है,
किसके अंतर्गत आती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर पूछी जा सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज दिस वन, फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट। फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट अभी क्या है, यूएसए ने फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट करी थी, जिसके अंदर 100 मोर देन 100 लीडर्स ने पार्टिसिपेट करा। और ये क्या है, ये आप देख रहे हैं कितने सारे लीडर्स इसके अंदर है, ठीक है। कौन कर रहा है यहाँ पे, बाइडन, ठीक है, बाइडन जो है और यूएसए जो है उन्होंने ये कराया है फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट, है ना। डेमोक्रेसी की समिट, जो भी डेमोक्रेसीज है सबको एक साथ लेकर आ रहे हैं। और ये जो समिट है दैट इज फर्स्ट वर्चुअल समिट, ये फर्स्ट वर्चुअल समिट थी फॉर डेमोक्रेसी। ये समझ में आ रहा है, डेमोक्रेसी की पहली वर्चुअल समिट थी जो व्हाइट हाउस से करी जा रही थी, 100 लीडर से कनेक्ट हो रखे, राइट। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी वाज़ ए वर्चुअल समिट होस्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट। ये आपको याद करना है, आपसे पूछा जाएगा किसने स्टार्ट करी थी, यूनाइटेड स्टेट ने, ठीक है, या फिर यूएसए प्लस रशिया ने, या फिर यूएसए प्लस इंडिया प्लस जापान, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो आप डेमोक्रेसी देख के फैल मत जाना कि भाई डेमोक्रेसी है तो मतलब ये सारी बहुत सारी कंट्रीज होगी, नहीं, यूएसए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, टू रिन्यू डेमोक्रेसी एट होम एंड कन्फ्रंट ऑटोक्रेसीज ऑफ अवार्ड, जो भी ऑटोक्रेसीज है उनके खिलाफ खड़ा होना। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या करा है कि ये एक्चुअली क्या होता है कि इनडायरेक्टली चाइना के खिलाफ है, ठीक है, बिकॉज चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, ठीक है। जब भी हम कहते हैं कि G7 कंट्रीज ने डेमोक्रेसी के G10 ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, जो कि डेमोक्रेसीज को मिलाकर बनेगा, ठीक है, तो वो भी चाइना के अगेंस्ट होता है। इनडायरेक्टली दिस इज अगेंस्ट चाइना, ठीक है, इनडायरेक्टली दिस इज अगेंस्ट द कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जहां पर क्या है अथॉरिटेरियनिज्म यहां पर पनप रहा है, राइट। तो आप ये देखेंगे कि इसकी तीन थीम है, थ्री थीम्स आर देयर, ठीक है। फर्स्ट समिट जो है, ठीक है, फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी की तीन थीम है, इन तीन थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला थीम है कि अथॉरिटेरियनिज्म जो है उससे बचना, डिफेंड करना कि वर्ल्ड को बचाएं अथॉरिटेरियनिज्म, राइट, दिस इज पॉइंट वन, ठीक है। दूसरा यह है कि करप्शन से लड़े, फाइट अगेंस्ट द करप्शन। और तीसरा यह है कि ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करें, तो वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये तीन थीम्स के ऊपर ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी जो है इन तीन थीम्स के ऊपर है, राइट। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, थ्री थीम्स, डिफेंडिंग अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, एड्रेसिंग एंड फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, और जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में चीजें करना, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके अंदर तीन थीम है, ये तीन तो थीम हो गए, और एफर्ट्स के अंदर फोर फोकस एरियाज है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सपोर्टिंग फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, मीडिया को फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करना, करप्शन को से फाइट करना, और बॉलस्ट्रिंग व्हाट डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेसी, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी और डिफेंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, इन सब के ऊपर ये फाइव कोर एरियाज है जिनके ऊपर बात हुई। तो तीन थीम है और पांच कोर एरिया है, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। यूएसए ने इसको स्टार्ट करा है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, एक वर्चुअल सबमिट हुई थी। अब देखिए, पाकिस्तान ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा, पाकिस्तान ने स्किप कर दी इसको, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान का क्लोज रिलेशन है चाइना के साथ, राइट। चलिए, चाइना वाज नॉट इनवाइटेड, चाइना को इनवाइट ही नहीं किया गया यूएस प्रेसिडेंट के, बिकॉज चाइना इज नो मोर ए डेमोक्रेसी, और ये सब चीजें चाइना के की घेराबंदी करने का ही एक तरह से चीजें हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज NEDFI। NEDFI क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, जो है वो दैट इज नोन एज व्हाट, फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज नोन एज NEDFI। अभी इन्होंने एक अनाउंस कराया, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। शिल्पकार का मतलब क्या होता है कि जो आर्टिस्ट होता है, ठीक, आर्टिजन्स जो हैं उनके लिए एक स्कीम स्टार्ट करी गई है। तो यहाँ पर देखिए, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम स्टार्ट करी गई है आर्टिजन्स फॉर द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। डोनर मिनिस्ट्री क्या होती है, डोनर मिनिस्ट्री क्या है, डोनर मिनिस्ट्री यही है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इन्होंने इसके अंदर NEDFI जो है, NEDFI मैंने आपको बताया, NEDFI क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने क्या करा है, अनाउंस करा है कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम, ठीक है, हस्तशिल्पकार स्कीम मतलब यहाँ के आर्टिजन जो है, ठीक है, इतना समझ में आता है, ये यहां तक का समझ में आ रहा है। तो मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर मिनिस्ट्रीज के अंदर है, ठीक है, डोनर मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्ट, डोनर का मतलब क्या है, डोनर का मतलब ये है कि ये जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, दैट इज व्हाट नॉर्थ ईस्ट रीजन की मिनिस्ट्री है, और उसके डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इसकी मिनिस्ट्री का नाम है। इसके अंदर एक कंपनी है, ठीक है, एक ऑफिस मान सकते हैं आप, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, NEDFI, ठीक है, ये जो है,
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके अंदर वर्क करती है, और इसने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के आर्टिजन्स जो हैं उनके लिए एक स्कीम स्टार्ट करी गई है, ठीक है, आत्मनिर्भर हस्त शिल्पा का शिल्पकार स्कीम, ठीक है, जो आर्टिस्ट हैं उन आर्टिजन्स हैं उनके लिए काम करा गया, राइट। तो देखिए वाई न्यूज, बिकॉज रिसेंटली द आत्मनिर्भर हस्त शिल्पकार स्कीम हैड बीन अनाउंस फॉर द आर्टिजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डोनर MoDONER, राइट। यहाँ तक समझ में आएगा, तो डोनर मिनिस्ट्री के अंदर ये जो है जो आप देख रहे हैं NEFDI, ठीक है, ये जो है इसने आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम को लॉन्च कर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए रूट आर्टिजन्स जो है इस रीजन के ग्रास रूट आर्टिजन्स हैं उनको क्या करा जाएगा, उनकी एक्टिविटीज को लिए उनको एक्सपेंशन करना, मॉडर्नाइजेशन करना, उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करना, ठीक है, ये सब चीजें प्रोवाइड करा। तो यहाँ पर एक तरह से पैसा दिया जा रहा है, क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, और 1 लाख से लेकर 1 लाख ईच वॉज प्रोवाइडेड टू एज मेनी एज 17 आर्टिजन को क्या करेंगे 1 लाख रुपए का प्रोवाइड किया जाएगा क्रेडिट असिस्टेंस। क्रेडिट असिस्टेंस यहाँ पर क्रेडिट असिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपको लोन दिलवाया जाएगा 1 लाख रुपए का, ठीक है, लोन दिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन दिलाया है। तो इसमें क्या हो गया सर, लोन दिलाना कोई बड़ी बात नहीं भाई, 6% पर एनम पे इतनी कम इंटरेस्ट रेट पे दिलाया जाएगा और आप आराम से 2 साल के अंदर इसको रीपे कर सकते हैं। तो एक लोन का असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा 6% के ऊपर, एक बहुत ही लो कॉस्ट जो होगा और लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा शिल्पकार को, ठीक है, और उसको 2 साल के अंदर उनको देना होगा। तो देखिए यहाँ पर द क्रेडिट फैसिलिटीज कोलेटरल फ्री, कोई कोलेटरल आपको जमा नहीं कराना पड़ेगा, कि कोई भी गिरवी आपको कुछ नहीं रखना पड़ेगा कि मैं जमीन गिरवी रखकर अपने बैंक से लोन ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप देखेंगे कि कोलेटरल फ्री आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे 6% पर एनम पे, विच इज रीपेबल इन व्हाट 24 मंथ के अंदर आपको देना होगा, ठीक है। फॉर रेगुलर रीपेमेंट, अगर आप रेगुलर रीपेमेंट कर रहे हैं उसका, ठीक है, इंटरेस्ट को अच्छे से पे कर रहे हैं, एंड इंटेंसिव इंसेंटिव 1% इज ऑल्सो एडेड, मतलब आपको आपको 5% पर एनम पे लोन मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग फॉर द व्हाट, फॉर द ग्रास रूट जो आर्टिजन्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, राइट। चलिए, अच्छा ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए ही है, दिस इज ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्ट, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रास रूट आर्टिजन ऑफ द रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ही ये स्कीम है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट इज गोल्डन लंगूर। अब गोल्डन लंगूर जो है उनका हैबिटाट के पास एक क्या है, एक सेंचुरी, देखिए ऐसा विलेजर्स अपोजेस सेंचुरी टैग फॉर द गोल्डन लंगूर हैबिटाट, गोल्डन लंगूर हैबिटाट के लिए उनको सेंचुरी टैग दे रहे थे, तो उसका अपोजिशन चल रहा है, ठीक है, अपोजिशन चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। अब हमको इस अपोजिशन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है गोल्डन लंगूर से। अब गोल्डन लंगूर को गोल्डन लंगूर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो बाल होते हैं ना वो गोल्डन कलर के होते हैं, देखिए ऐसे होता है गोल्डन लंगूर, अगर आपको दिख रहा हो राइट, तो ये क्या है, इनके बाल जो है दैट इज ऑफ गोल्डन कलर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गोल्डन लंगूर। ये कहाँ पर मिलते हैं, स्मॉल रीजन ऑफ वेस्टर्न आसाम, वेस्टर्न आसाम के अंदर अभी मिलते हैं, तो इनको सेंचुरी टैग दिया जा रहा है उस रीजन को, दैट्स व्हाई लोग क्या कर रहे हैं इसका अपोज कर रहे हैं, वेस्टर्न आसाम के अंदर ये मिलता है एंड इन नेबरिंग फुटहिल्स ऑफ द ब्लैक माउंटेन्स ऑफ द भूटान, या फिर भूटान के अंदर ये मिलता है। इसको गीज गोल्डन लंगूर भी बोल सकते हैं और गोल्डन लीफ मंकी भी इसको बोल सकते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न आसाम के अंदर मिलता है, वेस्टर्न आसाम के अंदर मिलता है इंडिया के, और कहीं नहीं मिलता। और अगर हम पूरे विश्व के अंदर देखें तो वेस्टर्न आसाम के अंदर और सदर भूटान के अंदर ही मिलता है गोल्डन लंगूर जो होता है, वो यहीं पे मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता है, राइट। तो इट इज एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ वहीं मिलना, ऑफ वेस्टर्न आसाम एंड सदर्न भूटान, इसके एंडेमिक है। अब इनका क्या है, इनका पहले हैबिटाट जो है ना बहुत डिस्ट्रक्शन इनका हुआ, ठीक है, हैबिटाट का, इनकी हंटिंग भी करते हैं लोग, ठीक है, हंटिंग भी करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे अगर इसके अंदर स्टोन क्योरिंग भी करते हैं, तो उसके कारण भी इनका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इनकी पॉपुलेशन कम हो रहा है। आर्टिलरी फायरिंग प्रैक्टिसेस इन बामुनी हिल्स, बामुनी हिल्स के अंदर फायरिंग प्रैक्टिसेस होता है, तो ये भी मर जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, हंटिंग के अंदर। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन ओइंग टू द ग्रेजिंग, फूड लॉगिंग, इसके कारण इनका थ्रेट हो रहा है, राइट। अच्छा सर, इनका IUCN स्टेटस बताओ सर, ये बड़ा खतरनाक होता है IUCN स्टेटस। तो IUCN स्टेटस क्या होता है, एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड इनका IUCN स्टेटस होता है, अगर आप देखेंगे एंडेंजर्ड इज द IUCN स्टेटस। तो गीज गोल्डन लंगूर और गोल्डन लंगूर का IUCN स्टेटस अगर आपसे कोई पूछे, दैट इज व्हाट, दैट इज एंडेंजर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, शेड्यूल 1 स्पीसीज इन द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और अपेंडिक्स 1 के अंदर ही आता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज है, PIB की न्यूज है, दैट इज स्टार्स,
स्टार्स के बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। अभी क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट साइन करा है कि स्टार एक प्रोजेक्ट है, स्टार्स एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उस स्टार प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वर्ल्ड बैंक, ठीक है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट है, दैट इज नोन एज स्टार्स प्रोजेक्ट। देखिए जल्दी समझिए इसको, स्टार्स प्रोजेक्ट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको सपोर्ट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। अब हमें ये समझना है कि क्या सपोर्ट मिल रहा है, एक तो ये अपन को समझना है कि क्या भाई किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा हमको ये समझना है कि स्टार प्रोजेक्ट स्कीम क्या है। तो ये देखिए, दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये इसके अंदर ये 6 स्टेट्स हैं इसके अंदर अभी ये स्कीम्स हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा, राइट। अब ये जो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है एंड पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स जो है ये सब क्या करेंगे, ये इसकी कॉस्ट को शेयर करेंगे, मतलब वर्ल्ड बैंक पैसा देगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, ये सब पैसा इसके अंदर देंगे। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट क्या होगा कि रिजल्ट के फॉर्म में, कि ऐसे बोलेगा कि भाई हम देखेंगे कि एंड रिजल्ट क्या होता है उसके फॉर्म में हम उसको आपको सपोर्ट देंगे। रिफॉर्म एट द स्टेट लेवल विल बी इंश्योर्ड टू सेट ऑफ डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स एंड स्टेट इंसेंटिव ग्रांट टू मीट द डिजायर्ड प्रोजेक्ट आउटकम, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं प्रोजेक्ट हैज टू मेजर कंपोनेंट, इस प्रोजेक्ट का स्टार्स प्रोजेक्ट जो है उसका दो मेजर कंपोनेंट है, एक तो नेशनल लेवल पर है और एक स्टेट लेवल पर है। नेशनल लेवल पर अपन क्या करेंगे, नेशनल लेवल पर स्ट्रेंथनिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल डेटा सिस्टम, नेशनल डेटा सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मतलब यहां पर अगर हम देखें तो नेशनल डेटा सिस्टम जो है उसको कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिससे पता चले कितने बच्चे रिटेन हैं, ठीक है, रिटेंशन रेट क्या है ना, क्या कंप्लीशन रेट है, कितने बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं एजुकेशन को, कितने बच्चे रिटेन रख पा रहे हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए 5th क्लास में 50 बच्चे थे, ठीक है, तो 6th क्लास के अंदर 40 बच्चे हुए, तो 40 मतलब रिटेन हो गए, राइट, इस तरह से रिटेंशन इसके अंदर बोलते हैं, राइट। कंप्लीशन कितने कंप्लीश कर पा रहे हैं, ठीक है, पूरा असेसमेंट करना है नेशनल लेवल पे, पूरा असेसमेंट करना है कि लर्निंग का पूरा असेसमेंट करें। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी बना देंगे, परख प्लेटफॉर्म, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, परख प्लेटफॉर्म जिसके अंदर क्या होगा, कंटिन्यूसली ट्रैकिंग होगी कि किस तरह से लर्निंग की जा रही है ना, किस तरह से लर्निंग की जा रही है, इसका पूरा का पूरा क्या है, कंटिन्यूस ट्रैकिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए नेशनल लेवल पर क्या कर रहे हैं, हम डेटा असेसमेंट कर रहे हैं, डेटा सिस्टम जो है नेशनल डेटा सिस्टम उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा ऑन रिटेंशन, ट्रांजिशन, कंप्लीशन रेट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, ठीक है। नेशनल असेसमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा जिसका नाम है परख फॉर कंटिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ द लर्निंग एंड द डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, राइट। इसी के साथ ये तो हो गया नेशनल लेवल की बात है ना, ये हो गया नेशनल लेवल के अंदर हम क्या क्या करेंगे, तो क्या क्या करेंगे नेशनल लेवल के अंदर बताएं, एक बार तो ये रिटेंशन रेट कितना है, कंप्लीशन रेट कितना है, ट्रांजिशन रेट कितना है बच्चों का, वो देखने के लिए एक डेटा सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है, एक लर्निंग असेसमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, ठीक है, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है जिसको नाम है परख वो बनाया जाएगा। तो परख रिसेंटली इन द न्यूज ऐसे भी पूछा जाता है। अब स्टेट लेवल पर देखें तो स्टेट लेवल पर अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है और फाउंडेशन एजुकेशन जिसके अंदर है, फाउंडेशन लर्निंग मैंने आपको बताया था, अर्थमेटिक एंड न्यूमरेसी, राइट, ये मैंने आपको बताया हुआ। तो स्टेट लेवल पर अर्ली चाइल्डहुड और जो फाउंडेशनल लर्निंग है उस पर ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है, स्टार प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, और एक मैनेजमेंट, किस तरह से आप सर्विस डिलीवरी कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, नेशनल लेवल पर क्या जाएगा स्टार्स प्रोजेक्ट के अंदर, और स्टेट लेवल पर क्या किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए स्टेट लेवल पर स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड फाउंडेशनल लर्निंग, क्लास इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग क्लास इंस्ट्रक्शन एंड वोकेशनल एजुकेशन, गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट फॉर द इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, राइट, ये सब चीजें इसके अंदर स्टेट लेवल के ऊपर किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, है ना। ये जो PDFs हैं आपको सबको प्रोवाइड कर दी गई है, आज के लेक्चर की भी PDF कंपाइल्ड फॉर्म करके दे दी गई है, राइट। तो प्लीज रिवाइज द PDF एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, और कल 3:45 PM पर सब बच्चे आ जाएं, क्यों, क्योंकि 3:45 PM पर @ स्पेशल क्लास आपका क्विज होने वाला है, राइट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, रिवाइज अगेन एंड अगेन, अभी तक की सारी PDFs आपके कंप्लीट दे दिए, आज तक की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।